हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हरियाणा के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन है और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ते ही उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपडेट होते ही आप तक पहुंच सके। आपका पहला क्वेश्चन है, भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो इसमें आंसर होगा, भिवानी में सघन पशु विकास परियोजना 1972 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के जनक माने जाने वाले व्यवस्थ मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? तो इसमें आंसर होगा, स्थानेश्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नगर में कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला स्थापित कब किया गया था? तो इसमें आंसर होगा, कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नगर में कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला 1988-1989 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? तो इसमें आंसर होगा, अग्रगण की राजधानी था अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत जिले के बाहुली क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसमें आंसर होगा, पानीपत जिले के बाहुली क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहुली किस जिले के अंतर्गत आता है, तो इसमें आंसर होगा, बाहुली पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो इसमें आंसर होगा, रेवाड़ी जिले में तीला जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग तीनों पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो इसमें आंसर होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 100% साक्षरता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा, भारत में 100% साक्षरता दर्ज करने वाला प्रथम राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो इसमें आंसर होगा, 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद सहकारी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आंसर होगा, शाहबाद सहकारी मिल की स्थापना 1984-1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एकमुश्त प्रदान की जाती है? तो इसमें आंसर होगा, 2 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में एसएवएच व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है? तो इसमें आंसर होगा, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, इन सभी में छात्रावास है। तो आंसर होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा, करनाल जिले में निर्मित लिबर्टी जूतों का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर होगा, एस अपर्णा को। एस अपर्णा को 6 अगस्त 2017 को विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है और वे भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगी। एस अपर्णा एस सी गर्ग का स्थान लेंगी जिन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इनमें से कई ऐसे करंट के क्वेश्चन हैं जो हम पिछली इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप उन्हें भी ध्यानपूर्वक सुने और उन्हें देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1809-1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो इसमें आंसर होगा 1809-1810 के दौरान समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई? तो इसमें आंसर होगा जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बहरामपुर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला सूक्ष्म वन बनाया जाएगा? तो इसमें आंसर होगा सूक्ष्म वन या माइक्रो वन छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जाएगा। भारत का पहला माइक्रो जंगल छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया जाएगा। रायपुर दुनिया का सातवां सबसे प्रदूषित शहर है और छत्तीसगढ़ के शहर रायपुर में खाली जमीनों को लंबी लंबी इमारतों की तरह पेड़ लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, वहां पर छोटे जंगल भी लगाए जाएंगे। इन पेड़ों को शहर के बीचों बीच में लगाया जाएगा जहां पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप हरियाणा के करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी जरूर पढ़ें। और ये क्वेश्चंस हम इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर पाए। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो इसमें आंसर होगा 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या है 2,53,51,462। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर होगा समेकित बाल विकास परियोजना हरियाणा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें आंसर होगा महेंद्रगढ़ में चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, तांबा, ये सभी खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कल्याणा गांव में उपलब्ध है? तो इसमें आंसर होगा परकंपी पत्थर या हिलना पत्थर, लेकिन अब यह चरखी दादरी जिले में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? तो इसमें आंसर होगा चाय हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम फ्रेगनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो इसमें आंसर होगा गुरुग्राम फ्रेगनगर मार्ग पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले में आता है और इसकी खोज का श्रेय पीटर जैक्सन को जाता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार में अक्टूबर से फरवरी के दौरान यूरोप तथा साइबेरिया से आने वाले असंख्य प्रवासी पक्षी पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लाल मस्जिद किस मुगल शासक के काल में बनवाई गई थी? तो इसमें आंसर होगा रेवाड़ी की लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल में बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम स्थित है? तो इसमें आंसर होगा गुरुग्राम में सराय अली वर्दी की मस्जिद स्थित है, बाकी लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहां पर स्थित है? तो इसमें आंसर होगा पंचकुला में, और इस गार्डन में कैक्टस की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट कहां मुद्रित होते हैं? तो इसमें आंसर होगा भारतीय करेंसी नोट नासिक में मुद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो इसमें आंसर होगा पहली धातु थी तांबा या कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें आंसर होगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, और हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंग्लैंड किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसमें आंसर होगा ए पैसेज टू इंग्लैंड नीदर सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें आंसर होगा इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई? तो इसमें आंसर होगा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली 1911 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सोने का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा सोने का प्रमुख उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? यानी इक्वेटर है, उसके पैरेलल जो इमेजिनरी लाइंस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है या अक्षांश कहा जाता है। और जो रेखाएं जो इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, यानी देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन थे? तो इसमें आंसर होगा फादर ऑफ सिविल सर्विसेज थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें आंसर होगा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन है, किस खनिज पदार्थ को सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है? तो इसमें आंसर होगा हीरे को सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेट कहाँ की संसद है? तो इसमें आंसर होगा नेसेट इजराइल की संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का क्या नाम था? तो इसमें आंसर होगा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गुरुग्राम के कलेक्टर का नाम था विलियम फोर्ड, जो कि आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें मे भी आंसर हो सकता है एम आर फोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलोच शासक दलेल खान या फौजदार खान ने किस बादशाह के नाम पर फरकनगर नगर बसाया था? तो इसमें आंसर होगा फरकनगर फरकसुएर के नाम पर बसाया गया था। अगर आपका क्वेश्चन है कि फरकनगर की स्थापना किस बलोच शासक के द्वारा की गई थी, तो इसमें आंसर होगा दलेल खान या फौजदार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें आंसर होगा इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स पुस्तक एससी कामत ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो इसमें आंसर होगा वर्गेस खुरीन। वर्गेस खुरीन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। वर्गेस खुरीन द्वारा अमूल कंपनी स्टार्ट की गई थी, और यह अमूल कंपनी गुजरात में स्टार्ट की गई थी। भारत में 1970 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था, और यह मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो इसमें आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े कच्चे तेल का भंडार कहां पर है? तो इसमें आंसर होगा भारत में सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार पश्चिमी तट पर है, और यह 39.79% है। अगर आपसे सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का भंडार पूछा जाए तो इसमें आंसर होगा पूर्वी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल खोकराकोट किस जिले में है? तो इसमें आंसर होगा खोकराकोट रोहतक जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था? तो इसमें आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो इसमें आंसर होगा मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा के कैथल के परगने में थी। बाबर के शासन के अंतिम दिनों में हरियाणा के कई क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जिनमें सबसे भयानक विद्रोह 1530 में कैथल में हुआ था और इसका नेतृत्व मोहन सिंह मंडार के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में बाबर ने इस मोहन सिंह मंडार के विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आंसर है गोरा नामक पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली अलवर मार्ग पर अहिरवाल की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल है? तो इसमें आंसर होगा सोना। सोना दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावलियों की खूबसूरत पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। सोना अपने प्राकृतिक गर्म कुंडों के लिए भी विख्यात है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इन गर्म कुंडों में गंधक युक्त पानी में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है? तो इसमें आंसर होगा सोनीपत जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।